हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र वार से काम को देख रहे हैं 2019 वाले को। तो इसी में हम लोग बात कर चुके थे राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर बात किया था हम लोगों ने विधिक परिदृश्य, फिर देखा हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, और फिर उसके बाद हमने आर्थिक परिदृश्य देखा। अब बात करने वाले हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है, आपको बता दें जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे जो खत्म हो चुके हैं वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है प्लेलिस्ट सूची में, एक सूची बनी हुई है समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से। जितना भी अभी तक हम लोगों ने खत्म किया है वो उसी में डले हुए हैं। ठीक, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें बात करने वाले हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य में अद्यतन खगोलीय गतिविधियां। ठीक है, अद्यतन खगोलीय गतिविधियां, चलिए शुरू करते हैं। शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह खोजे गए। 7 अक्टूबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की गई है। अमेरिका के वॉशिंगटन DC स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस सेफर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहे 20 नए उपग्रहों की खोज की है। हवाई द्वीप स्थित मोनाकी नामक एक सुसुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारु दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रहों की खोज की गई है। इस नई खोज के साथ ही अब छल्लेदार ग्रह शनि के कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर हो गई है 82 तक पहुंच गई। इस प्रकार शनि सौर प्रणाली का एक ऐसा ग्रह बन गया जिसके ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। शनि ग्रह से पूर्व सौर प्रणाली में बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे 79, लेकिन अब याद रखना शनि के अधिक हो गए 82। ठीक है, शनि ग्रह के नए खोजे गए उपग्रहों में प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर है। कुल 20 उपग्रहों में से 17 उपग्रह अक्ष के परिता शनि की घूर्णन की विपरीत दिशा में उसका परिक्रमण कर रहे हैं, जबकि शेष 3 उपग्रह शनि की अपनी अक्ष के परिता घूर्णन की दिशा में ही उसका परिक्रमण कर रहे हैं। बात करते हैं पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अभी 23 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर किया गया है। 2006 में BP 32 नामक एक क्षुद्र ग्रह को अब पंडित जसराज नाम दिया गया है। ठीक है, 3,128। आगे बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह का क्रमांक 3,128 है। वास्तव में पंडित जसराज की जन्म तिथि है 28/01/1930। ठीक है, कभी प्रीत है क्रम है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कई कक्षाओं के मध्य स्थित इस क्षुद्र ग्रह की खोज 16 नवंबर 2016 को 2006 को कैटिलिना स्काई सर्वेक्षण के माध्यम से की गई थी। उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण में शामिल दोनों दूरबीन अमेरिका के एरिजोना में स्थित हैं। पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित पंडित जसराज पहले भारतीय संगीतज्ञ थे जिनके नाम पर किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं K2 18B ग्रह। हाल ही में वैज्ञानिकों को पहली बार सौर मंडल से बाहर स्थित K2 18B ग्रह के वायुमंडल में जलवाष्प होने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इस जलवाष्प की खोज में हबल टेलीस्कोप का उपयोग किया गया। K2 18B एक
वार्ही ग्रह है जो केटू 18 नामक एक बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। केटू 18 पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष दूर लियो तारामंडल में स्थित है। केटू 18b का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8.92 गुना है। केटू 18b सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा कर रहा अकेला ऐसा ग्रह है जहां जल की उपस्थिति के साथ साथ ऐसा तापमान भी पाया जाता है जो जीवन के अनुकूल हो सकता है। अब बात करने वाले हैं रमन सेट टू का प्रक्षेपण। 23 सितंबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमन सेट टू नामक एक लघु उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इस उपग्रह को टेक्सास स्थित नासा की कोलंबिया साइंटिफिक बिलून फैसिलिटी से प्रक्षेपित किया गया है। इस प्रक्षेपण के तहत नासा के शून्य दाब वाले वैज्ञानिक गुब्बारे की सहायता से इस ग्रह को लगभग 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है जहां परिस्थितियां काफी हद तक बाह्य अंतरिक्ष के समान ही है। रमन सेट टू एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन के सम्मान में इस उपग्रह को रमन सेट टू नाम दिया गया है। रमन सेट एक छोटे घन के आकार का उपग्रह है जिसकी माप 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। ठीक, रमन सेट टू उपग्रह को एक 17 वर्षीय भारतीय छात्र अभास सिक्का ने स्पेस इंडिया नामक संगठन में शिक्षु के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डिजाइन किया था। उल्लेखनीय है कि प्रक्षेपण हेतु नासा द्वारा रमन सेट टू उपग्रह को चैन क्यूब्स इन स्पेस नामक एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। उल्लेखनीय है कि क्यूएस इन स्पेस 11 से 18 वर्ष तक की उम्र के छात्रों हेतु आयोजित की जाने वाली एक ऐसी एकमात्र वैश्विक प्रतियोगिता है जो बिना किसी शुल्क के उन्हें लघु उपग्रह प्रयोगों की को डिजाइन करने का अवसर प्रदान करती है। रमन सेट दो स्पेस इंडिया के संरक्षण में डिजाइन किया गया दूसरा उपग्रह है जिसे नासा ने प्रक्षेपित किया है। इससे पूर्व क्यूब्स इन स्पेस प्रतियोगिता के माध्यम से ही चयनित स्पेस इंडिया के रमन सेट फर्स्ट लघु उपग्रह को नासा ने 20 जून 2019 को प्रक्षेपित किया था। रमन सेट टू लघु उपग्रह अंतरिक्ष में कम लागत के गामा किरण संवेदक के प्रयोग द्वारा अनुसंधान संचालित करेगा। उल्लेखनीय है कि कलाम सेट किसी भारतीय छात्र द्वारा विकसित प्रथम प्रायोगिक उपग्रह था जिसे नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान टू के बारे में। भारत का द्वितीय चंद्र मिशन ये 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान टू मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। तो याद रखना, इस रॉकेट का नाम याद रखना GSLV V Mark 3 M1, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अभी भी इसके पूछने के ज्यादा चांस। GSLV Mark 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। लिफ्ट ऑफ के लगभग 16 मिनट 14 सेकंड बाद रॉकेट ने चंद्रयान टू के अंतरिक्ष को पृथ्वी की दीर्घाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान के माध्यम से ही भारत के द्वितीय चंद्र मिशन चंद्रयान टू का प्रक्षेपण प्रस्तावित था, लेकिन प्रक्षेपण से लगभग 1 घंटा पूर्व प्रक्षेपण यान प्रणाली में तकनीकी खराबी का पता चलने पर इसरो के वैज्ञानिकों ने पर्याप्त सावधानी बरतते हुए चंद्रयान टू का प्रक्षेपण स्थगित कर दिया। चंद्रयान टू ऐसा पहला मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालन करने हेतु लक्षित था। उल्लेखनीय है कि अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में कोई भी देश अपने अंतरिक्ष यान को लैंड कराने में सफल नहीं हो सका। चंद्रयान टू
मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, जबकि रोवर का नाम विज्ञान रखा गया। तेईस सौ उनहत्तर किलोग्राम वजनी ऑर्बिटर को 100 x 7 किलोमीटर वाली चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमण के दौरान ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का अवलोकन करेगा। ऑर्बिटर से अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का संपर्क इसरो के नियंत्रण केंद्र से टूट गया। 1477 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर के माध्यम से 6 पहियों वाले विज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना था। लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरा। और 10 सितंबर 2019 को इसरो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा लैंडर का पता लगा लिया गया, लेकिन उससे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। 31 अक्टूबर 2019 को इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के वायुमंडल में ऑर्गन 40 की उपस्थिति का पता लगाया। ये था चंद्रयान 2। बात करते हैं अपोलो सेकंड, अपोलो 11 के 50 वर्ष। 16 जुलाई 2019 को अपोलो 11 मिशन के पीछे बढ़ के 50 वर्ष पूर्ण हुए। उल्लेखनीय है कि अपोलो 11 मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट द्वारा 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के माध्यम से किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहली बार मनुष्य की लैंडिंग संभव हुई थी। अपोलो 11 अंतरिक्षयान में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्डन तथा माइकल कॉलिंस सवार थे। इस मिशन के तहत जहां आर्मस्ट्रांग तथा एल्डन ने चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम मनुष्य होने का गौरव प्राप्त किया, वहीं कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में समार होकर चंद्रमा की कक्षा में रहे। बात करते हैं नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन। 27 जून 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के अन्वेषण हेतु वर्ष 2026 में ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा। यह नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत प्रक्षेपित किया जाने वाला 4वां मिशन है। न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य बौने ग्रह प्लूटो सहित सौरमंडल के विभिन्न पिंडों का अन्वेषण करना है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत निम्न 3 मिशन संचालित हो रहे हैं, प्लूटो तथा कुइपर बेल्ट के अध्ययन हेतु न्यू होराइजन्स मिशन, बृहस्पति ग्रह की संरचना एवं इसकी उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों को उद्घाटित करने हेतु जूनो मिशन, पृथ्वी के निकट स्थित एक क्षुद्र ग्रह वेनु से नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर लाने हेतु ओरिसिस रेक्स मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन के तहत ड्रैगन फ्लाई नामक एक ऑक्टोकॉप्टर लैंडर टाइटन पर भेजा जाएगा। यह लैंडर टाइटन के विभिन्न स्थलों के जैविक संगठन का अन्वेषण करेगा तथा नमूने एकत्रित करेगा। यह प्रथम अवसर होगा जब नासा एक बहुरोटर वाहन को वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु किसी अन्य ग्रह उपग्रह पर भेजेगा। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट वर्ष 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा। टाइटन शनि ग्रह ज्ञात उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, बात करते हैं अगली खबर, चीन समुद्र से रॉकेट परीक्षण किया है इसमें। सुदूर अंतरिक्ष में अपनी पहुंच में वृद्धि करने की दिशा में 5 जून 2019 को चीन द्वारा पहली बार गतिशील प्लेटफॉर्म समुद्र
समुद्री खोज से अंतरिक्ष में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इस प्रकार चीन ऐसी सफलता अर्जित करने वाला पहला रूस अमेरिका रूस के बाद विश्व का तीसरा देश बन गया है। पहला अमेरिका है, दूसरा रूस, तीसरा चीन। ठीक, यह परीक्षण चीन के सैनडोंग प्रांत के निकट फीले एलओसी से किया गया है। मिशन के तहत अंतरिक्ष में चीन द्वारा कुल 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जिसमें से 5 वाणिज्यिक उपग्रह हैं और 2 प्रायोगिक प्रौद्योगिकी उपग्रह शामिल। समुद्री क्षेत्र में रॉकेट प्रक्षेपित करने की रणनीति बहुआयामी रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट से प्रक्षेपण की सुविधा प्राप्त होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति इस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, जो रॉकेट को प्राकृतिक रूप से अतिरिक्त गति प्रदान करता है। इससे रॉकेट की पेलोड ले जाने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा कक्षा में पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत कम ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्षेपण लागत में कमी होती है। अब बात करते हैं PSLV C-46 और RESET-2B मिशन। 22 मई 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने अपने 48वें मिशन द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में RESET-2B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस मिशन में PSLV के कोडमात संस्करण का प्रयोग किया गया है। रीसेट अर्थात रडार इमेजिंग सैटेलाइट इसरो द्वारा निर्मित भारतीय रडार प्रतिबिंबन भू प्रक्षेपण उपग्रह की एक श्रृंखला है। नवीनतम उपग्रह RESET-2B रीसेट श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। यह इसरो द्वारा निर्मित स्वदेशी उपग्रह है। 615 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को PSLV C-46 द्वारा श्रीहरिकोटा के प्रथम लॉन्च पैड से भारतीय समय अनुसार 5:30 प्रातः 5:30 पर प्रक्षेपित किया गया है। इसे 556 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया गया। यह उपग्रह बंगलुरु स्थित UR राव अंतरिक्ष केंद्र द्वारा 15 मई की अवधि में निर्मित किया गया है। यह उपग्रह न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्य करने हेतु डिजाइन किया गया है। RESET-2 कृषि वन की एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं में वृद्धि करेगा। RESET-2B 3.6 मीटर वाले रेडियल रिब एंटीना की उन्नत प्रौद्योगिकी से युक्त भू प्रक्षेपण उपग्रह है। अप्रैल 2012 में प्रक्षेपित RESET-1 उपग्रह के समान ही RESET-2B भी माइक्रोवेव विकिरण का प्रयोग करेगा। इस कारण यह सभी मौसमी एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में पृथ्वी के चित्र खींचने में सक्षम होगा। अब बात करते हैं NEPALESAT-1। नेपाल का प्रथम उपग्रह 18 अप्रैल 2019 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वोलेक्स उड़ान सुविधा के मिड अटलांटिक रीजनल एयरपोर्ट से नासा के व्यवसायिक साझेदारी नॉर्थोप ग्रुमान के एंटारेस रॉकेट से उड़ान भरी है। इस व्यवसायिक पुनरावृत्ति मिशन के तहत यह रॉकेट सिग्नस कार्गो अंतरिक्षयान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लेकर गया। इस मिशन के तहत सिग्नस अंतरिक्षयान में प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों के रूप में नेपाल का NEPALESAT-1 और श्रीलंका का RAVAD-1 तथा जापान का उगो ईसू उपग्रह भी सवार है। ये तीनों ही नैनो उपग्रह हैं और इनमें प्रत्येक का वजन लगभग 1 किलोग्राम है। NEPALESAT नेपाल का प्रथम उपग्रह है। इस प्रकार को जापान के क्यूसो प्रौद्योगिकी संस्थान में अध्ययन 2 नेपाली छात्रों तथा आवास मस्की हरिराम श्रेष्ठ ने निर्मित किया है। क्यूसो प्रौद्योगिकी संस्थान की वर्डस परियोजना के तहत इस उपग्रह के लॉन्च हेतु पहल नेपाल विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा की गई है। 1.3 किलोग्राम वजनी नेपाली सेट फर्स्ट उपग्रह पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में परिक्रमण करेगा। श्रीलंका का रावण फर्स्ट एक छोटा घनाकार उपग्रह है। इसका वजन लगभग 1.05 किलोग्राम है। यह उपग्रह भी वंडर्स वर्डस परियोजना के तहत विकसित किया गया है। वर्डस परियोजना संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से डिजाइन की गई है। इसका उद्देश्य अभी तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण से वंचित देशों की मदद करना है। फिर अगली खबर है ब्लैक होल का प्रथम चित्र। हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने इवेंट होराइजन दूरबीन की मदद से किसी ब्लैक होल का पहला चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है। 10 अप्रैल 2019 को खगोल विदों द्वारा ब्लैक होल के इस प्रथम चित्र को जारी किया गया। श्याम बीवर या ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश किरणों का भी बच पाना असंभव होता है। क्योंकि ब्लैक होल विकास की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह आदर्श बना रहता है। जिस ब्लैक होल का चित्र खींचा गया है वह M87 नामक एक दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। यह ब्लैक होल पृथ्वी के से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 6.5 बिलियन गुना है। वास्तव में इवेंट होराइजन दूरबीन जिससे इस ब्लैक होल का चित्र खींचा गया है वह एक अकेली दूरबीन नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर स्थित 8 रेडियो दूरबीन का एक नेटवर्क है जो हवाई एरिजोना स्पेन मैक्सिको चिली दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। इवेंट होराइजन दूरबीन से ब्लैक होल चित खींचने के लिए पेरीलॉग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। हवाई हेलो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा इस ब्लैक होल को पो हाई नाम दिया गया। ठीक, आगे बात करते हैं PSLV 45 एमीसेट मिशन। 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 47वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस मिशन के तहत PSLV C-45 ने भारत के एमीसेट सहित 28 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। PSLV C-45 द्वारा एमीसेट को 748 किलोमीटर ऊंचाई वाले सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद रॉकेट द्वारा 4 विभिन्न देशों के 28 विदेशी उपग्रहों को 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाली निम्न कक्षा में स्थापित किया गया। हालांकि इस निम्न कक्षा को प्राप्त करने के लिए रॉकेट के चौथे चरण के इंजन को 2 बार पुनर्विज्वलित करना पड़ा। इसके बाद रॉकेट के चौथे संस्करण को 485 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निम्न वित्तीय कक्षा में पहुंचाया गया जहां यह प्रयोगों को संचालित करने के लिए कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह प्रथम अवसर है जब इसरो ने PSLV की एकल उड़ान के माध्यम से उपग्रहों को 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया है। इस बहुकक्षीय मिशन की कुल अवधि लगभग 3 घंटा रही। इस प्रकार यह अब तक का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का सबसे लंबी अवधि का मिशन था। इसके पूर्व जनवरी 2018 में PSLV C-40 मिशन 2 घंटे 21 मिनट की अवधि तक संचालित हुआ था। इसके अतिरिक्त यह PSLV के नए संस्करण PSLV QL का प्रथम मिशन भी था। इस संस्करण में रॉकेट में 4 स्टेप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया गया है। मिशन के तहत प्रक्षेपित मुख्य उपग्रह एमीसेट का वजन 436 किलोग्राम है। इसरो के अनुसार यह उपग्रह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मापन के लिए उपयुक्त होगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्टर्स में इसे भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक आसूचना उपग्रह
की संज्ञा दी गई है, जो सशस्त्र सेनाओं हेतु दुश्मनों के रडार का पता लगाने में सक्षम होगा। जिन 28 विदेशी उपग्रहों को इस मिशन के तहत विक्षेपित किया गया, उनमें सर्वाधिक 24 उपग्रह अमेरिका के, लिथुआनिया के 2 उपग्रह, स्पेन स्विट्जरलैंड का 1-1 उपग्रह शामिल है। ठीक, बात करते हैं मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 को उड़ीसा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उपग्रह भेदी ASAT मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अभियान को मिशन शक्ति नाम दिया गया। इस मिशन के तहत 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थित भारत के सक्रिय उपग्रह को दुरुस्त कर दिया गया। भारत के उपग्रह भेदी मिसाइल के जरिए यह मिशन सिर्फ 3 मिनट में पूरा किया गया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का 4वां देश बन गया है। तो याद रखना, पहले पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस, फिर चीन, उसके बाद है भारत का 14वां नंबर। भारत का मिशन शक्ति कार्यक्रम पूरी तरह स्वदेशी है और इस मिशन के तहत जिस ASAT मिसाइल का प्रयोग किया गया है, वास्तव में वह DRDO के बैलिस्टिक मिसाइल की प्रतिरक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित एक 3 चरणीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। इस मिसाइल से अंतरिक्ष में उपग्रह को क्राइनेटिक किल प्रौद्योगिकी द्वारा ध्वस्त किया गया है। उपग्रह को नष्ट करने के बाद अंतरिक्ष में कचरा न फैले, यह सुनिश्चित करने के लिए ही यह परीक्षण पृथ्वी की निम्न कक्षा में किया गया है। बात करते हैं हम लोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का निगम। 6 मार्च 2019 को अंतरिक्ष विभाग DOS के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपग्रह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का निगम किया गया है। NSIL एंटिक्स कॉरपोरेशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की दूसरी व्यावसायिक शाखा है यह। NSIL का संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विभिन्न केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संगठक इकाइयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों का व्यावसायिक लाभ उठाने के उद्देश्य किया गया। यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के व्यावसायिकीकरण का नेतृत्व करेगी, जिनमें प्रक्षेपण यानों का उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है। इसके कार्यों में निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का उत्पादन शामिल है। बात करने वाले हैं GSAT-31। GSAT-31 का प्रक्षेपण, ठीक है, GSAT-31 का प्रक्षेपण 6 फरवरी 2019 को कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुआना से व्यवसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5 VA247 रॉकेट ने उड़ान भरी है। एरियन 5 VA247 रॉकेट ने उड़ान भरी। इस मिशन के तहत एरियन 5 ने 2 दूर संचार उपग्रह यथा साउदी भूस्तर उपग्रह 1 और हेलास सेट 4 तथा GSAT-31 को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। GSAT-31 भारत का संचार उपग्रह है। 2536 किलोग्राम वजनी GSAT-31 उपग्रह भूस्तर कक्षा में KU ब्रांड ट्रांसपोंडर क्षमता में वृद्धि करेगा। यह उपग्रह भारतीय मुख्य भूमि तथा द्वितीय क्षेत्र में संचार सेवाएं प्रदान करेगा। GSAT-31 उपग्रह के लॉन्च होने से BSAT नेटवर्कों DTH टेलीविजन सेवाओं DSNG तथा ई प्रशासन अनुप्रयोगों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। GSAT-31 की मिशन कालावधि 15 वर्ष है। सऊदी भूस्तर उपग्रह 1 और हेलास सेट 4 को SS
H4 HGS फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं PSLV-DL का प्रथम मिशन 24 जनवरी 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा ने कि प्रथम लॉन्च पैड से समय अनुसार भारतीय समय अनुसार 11:37 पर पीएम पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 46वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस उड़ान के तहत PSLV-C44 ने माइक्रोसेट आर तथा कलाम सेट P2 नामक दो उपग्रह को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया है। लिफ्ट ऑफ के लगभग 13:26 पश्चात PSLV-C44 ने मुख्य उपग्रह माइक्रोसेट आर को 274 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया है। याद रखना 274। इसके बाद रॉकेट के चौथे चरण PS-4 के इंजनों को का दो बार पुनर्प्रज्वलन रीस्टार्ट किया गया ताकि रॉकेट के कक्षोन्नयन द्वारा उसे 453 किलोमीटर की ऊंचाई वाली वित्तीय कक्षा में पहुंचाया जा सके। इस कक्षा में रॉकेट का चौथा चरण कलाम सेट V2 पेलोड के साथ एक प्रायोगिक प्लेटफॉर्म के रूप में अपना मिशन संचालित करेगा। PSLV-C44 एक अद्वितीय मिशन था क्योंकि यह प्रथम अवसर है जब इसरो ने अंतरिक्ष में प्रयोगों को संचालित करने के लिए रॉकेट के अंतिम चौथे चरण का एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया है। छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह कलाम सेट V2 PSLV के चौथे चरण का एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने वाला प्रथम उपग्रह है। इस प्रक्षेपण के साथ भारत सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों हेतु रॉकेट के चौथे चरण का कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। प्रक्षेपित माइक्रोसेट आर 740 किलोग्राम वजनी एक इमेजिंग उपग्रह है जिसे सैन्य प्रयोजनों हेतु प्रक्षेपित किया गया। लगभग 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित कलाम सेट P2 एक प्रायोगिक उपग्रह है। इस उपग्रह को कॉलेज के छात्रों तथा चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया नामक संगठन के सदस्यों द्वारा निर्मित किया गया है। 1.26 किलोग्राम वजनी कलाम सेट V2 उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य नैनो उपग्रहों की संचार प्रणाली का अध्ययन करना है। PSLV-DL भारत के ध्रुवीय उपग्रह यान का 9वां संस्करण है। यह संस्करण लिफ्ट ऑफ के समय अतिरिक्त ठेल प्रदान करने के लिए दो स्टेप ऑन ब्यूटर्स बूस्टर्स से लैस है। नया संस्करण PSLV-DL भारतीय वैज्ञानिकों को कम बूस्टरों के साथ रॉकेट के विक्षेपण का एक मध्यवर्ती विकल्प उपलब्ध कराता है। चांग ई फोर मिशन 8 दिसंबर 2018 को दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित सीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से चांग ई फोर लूनर प्रोब का प्रक्षेपण किया गया। 3 जनवरी 2019 को चांग ई फोर लूनर प्रोब पृथ्वी से चंद्रमा के ना दिखाई देने वाले हिस्से पर दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के बॉन कार्मन क्रेटर पर उतरा। अब तक चंद्रमा पर पृथ्वी से दिखाई देने वाले हिस्से पर ही मिशन संचालित होते रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरा है जो अब तक अछूता रहा। पूर्व विभिन्न विभिन्न अंतरिक्ष यानों ने चांद के अनदेखे हिस्से की तस्वीर लेने में तो सफलता प्राप्त की थी लेकिन कोई लैंडर अभी तक इस हिस्से पर उतर नहीं सका। टाइडल लॉकिंग प्रभाव के कारण चंद्रमा की अपनी अक्ष पर घूर्णन गति
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति के समान है, जिससे पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। अतः इस कारण चंद्रमा के ना दिखाई देने वाले दूसरे हिस्से से डार्क साइड की संख्या दी गई है। चांग ई फोर लूनर प्रो में एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने रोवर को U-22 और Z-Rabbit-2 नाम दिया है। चीन के लोक साहित्य में चांग ई को चंद्रमा देवी के रूप में और U-2 को देवी का सफेद पालतू खरगोश माना जाता है। इस मिशन में लैंडर के साथ एक जैविक प्रयोग को संचालित करने के लिए एक कनस्तर भी चांद पर भेजा गया है। इस कनस्तर में कपास, सफेद सरसों, आलू अरेबिडोप्सिस के बीजों के साथ फ्रूट फ्लाई के अंडे, कुछ खमीर भी भेजे गए हैं। इस मिशन द्वारा भेजी गई तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि चांद पर केवल कपास के बीजों में ही अंकुरण हुआ है, जबकि अन्य किसी बीज में अंकुरण नहीं हुआ है। ठीक, यह प्रथम अवसर है जब चंद्रमा पर कोई जैविक पदार्थ विकसित हुआ है। अब बात करने वाले हैं जी सेट 11 भारत का सबसे वजनीय संचार उपग्रह है। 5 दिसंबर 2018 को भारतीय समय अनुसार 2:07 AM पर एरियन 5 उड़ान संख्या VA-246 ने फ्रेंच गुहाना स्थित कोरू विक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी और भारत के जी सेट 11 दक्षिण कोरिया के जियो कॉम्प सेट 2A उपग्रह को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जी सेट 11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा सबसे वजनी उपग्रह है। जी सेट 11 को भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्तर कक्षा में स्थापित किया गया। जी सेट 11 भूस्तर कक्षा में 74 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थापित है। जी सेट 11 भारत का अगली पीढ़ी का अत्याधुनिक संचार उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यह 6 टन श्रेणी का पहला उपग्रह है। इस उपग्रह का प्रमोचन भार 5,854 किलोग्राम तथा मिशन कालावधि 15 वर्ष है। विक्षेपित जी सेट 11 उपग्रह देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी सेट 11 अपने साथ 40 ट्रांसपोंडरों को लेकर गया है, जिसमें 32 ट्रांसपोंडरों को पोंडर क्यू बैंड और 8 ट्रांसपोंडर के बैंड में है, जिसके माध्यम से यह भारतीय मुख्य भूमि तथा द्वीपीय क्षेत्र में प्रयोगताओं को उच्च गति का डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। जियो कॉम्प सेट 2 ये दक्षिण कोरिया का 7वां उपग्रह है, जिसका प्रक्षेपण एरियन स्पेस में किया है। अब बात करते हैं 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। 29 नवंबर 2018 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से भारत के ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV की 45वीं उड़ान PSLV-C-43 सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस मिशन के तहत प्रक्षेपण मुख्य उपग्रह भारत का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। हाइसिस उपग्रह के अतिरिक्त PSLV-C-43 से ने इस मिशन के अंतर्गत 8 देशों के 30 उपग्रह विदेशी उपग्रहों को भी उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि 380 किलोग्राम वजनी हाइसिस ये भूअवलोकन उपग्रह है। ठीक, हाइसिस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य निकट आवृत्त तथा शॉर्ट वेव आवृत्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। हाइसिस उपग्रह का मिशन अवधि 5 वर्ष है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन के 1-1 तथा अमेरिका के 23 उपग्रह सग मिशन के तहत विक्षेपित किए गए। यह पहला अवसर था जब GSLV के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मलेशिया,
स्पेन के किसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। बात करते हैं जीसैट 29 का सफल प्रक्षेपण। 14 नवंबर 2018 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से भारत के संचार उपग्रह जीसैट 29 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस उपग्रह को GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जीएसएलवी मार्क 3 की दूसरी विकासात्मक उड़ान है। GSLV मार्क 3 की पहली विकासात्मक उड़ान 5 जून 2017 को संपन्न हुई थी। जीसेट 29 उपग्रह वृत्ताकार भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। जीसेट 29 एक मल्टीबैंड मल्टीबीम संचार उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन 3423 किलोग्राम है। यह उपग्रह अपनी कक्षा अपने साथ KA और KU बैंड के संचार ट्रांसपोंडरों को लेकर गया है, जो भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के प्रयोक्ताओं की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्मित किए गए हैं। फिर बात करते हैं नासा। नासा का इनसाइट मिशन 5 मई 2018 को नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। मिशन के तहत नासा द्वारा मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इस ग्रह की सतह पर एक भौतिकी लैंडर उतारा गया है। यह मिशन वैज्ञानिकों को एक चट्टानी ग्रह के रूप में मंगल ग्रह के विकास की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 26 नवंबर 2018 को इनसाइट मिशन लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया। आगे बात करते हैं अगला है बेबी कोलंबो बुध ग्रह हेतु पहला यूरोपीय मिशन है। 20 अक्टूबर 2018 को कोरू फ्रेंच गुहाना से एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा बेबी कोलंबो मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकट से एक बार, शुक्र के निकट से 2 बार और बुध के निकट से 6 बार गुजरकर अंततः दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। बेपी कोलंबो बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा जापान एयरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है, जो ESA के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। बुध ग्रह के अन्वेषण को समर्पित यूरोप का पहला मिशन है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से कुछ ही अधिक है। अभी तक केवल 2 अंतरिक्षयान ही बुध ग्रह पर पहुंचे हैं। बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्षयान नासा का था, मैरिनर 10। ठीक है, अगली खबर है सौरमंडल के बाहर पहला उपग्रह। सौरमंडल के बाहर पहला उपग्रह 3 अक्टूबर 2018 को साइंस एडवांसेस नामक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं ने सौरमंडल के बाहर किसी ग्रह के पहले उपग्रह चंद्रमा की खोज करने में सफलता प्राप्त की है। इस उपग्रह की खोज नासा की हवल एवं केपलर अंतरिक्ष दूरबीनों की मदद से की गई है। 9 अन्वेषित उपग्रह पृथ्वी से 8000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सिग्नस तारामंडल में स्थित है और इस विशाल गैसीय ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। यह गैसीय ग्रह भी केपलर 1625 नामक तारे का चक्कर लगा रहा है। 9 अन्वेषित उपग्रह सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह अर्थात बृहस्पति के उपग्रह ग्रैनीमीड से भी काफी बड़ा है। इस 9 अन्वेषित उपग्रह का आकार सौरमंडल के नेपच्यून ग्रह के आकार के लगभग समान है। न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों के अनुसार के अनुसंधान के फलस्वरूप ही सौरमंडल के बाहर का यह पहला उपग्रह खोजा गया जा सका। आगे बात करते हैं गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। वर्ष 2018 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन द्वारा वर्ष 2022 तक भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का प्रक्षेपण प्रस्तावित है। इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया। 7 टन वजनी गगनयान और बीटल मॉड्यूल के 2 हिस्से होंगे, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, 7 x 7 मीटर के आकार वाले क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। सर्विस मॉड्यूल में ताप और दाब को बनाए रखने वाले उपकरण, जीवन रक्षक प्रणाली, ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान रहेगा। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन के लिए भेजा जाना प्रस्तावित है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाले पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाएगा। गगनयान के प्रक्षेपण के लिए GSLV Mark III प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जाएगा। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भारतीय वायुसेना तथा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अत्याधुनिक लॉन्चर प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ बी आर ललितांबिका गगनयान परियोजना की निदेशक होंगी। गगनयान परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का 4वां देश बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन ने ही मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किए हैं। गगनयान परियोजना हेतु गगनयान राष्ट्रीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया है। 8 जून 2019 को इस परिषद की प्रथम बैठक इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है। ठीक, फिर बात करते हैं जी सेट सेवन ए 19 दिसंबर 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा संचार उपग्रह GSAT-7A का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। GSAT-7A एक भूस्तर संचार उपग्रह है जिसका विकास भारतीय क्षेत्र में क्यू बैंड आधारित संचार सेवा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। 2250 यानी कि 2250 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक चरण से लैस GSLV Mark II द्वारा विक्षेपित सबसे भारी उपग्रह है। GSAT-7A की मिशन अवधि 8 वर्ष अनुमानित है। फिर बात करते हैं केपलर अंतरिक्ष दूरबीन सेवा मुक्त। 30 अक्टूबर 2018 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर अंतरिक्ष दूरबीन को सेवा मुक्त कर दिया है, करने की घोषणा की है। नासा की इस घोषणा के पीछे मुख्य कारण यह है था कि केपलर अंतरिक्ष यान का इंजन समाप्त हो गया था और वह अपने वैज्ञानिक अभियानों को जारी रखने में सक्षम नहीं था। उल्लेखनीय है कि जीवन के अनुकूल पृथ्वी सदृश ग्रहों की खोज करने के उद्देश्य नासा द्वारा केपलर दूरबीन का प्रक्षेपण 6 मार्च 2009 में किया गया था। ठीक, अपने लगभग 9.5 वर्षों के मिशन के दौरान केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर 2600 से अधिक ग्रहों की खोज की है। उल्लेखनीय है केपलर अंतरिक्ष दूरबीन का नामकरण जर्मन खगोलशास्त्री जोहानेस केपलर के नाम पर रखा गया था। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन का स्थान लेने के लिए नासा ने टेस मिशन का प्रक्षेपण अप्रैल 2018 में किया था। ठीक है, याद रखिए कौन सा टेस बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य में, ये था हमारा अद्यतन खगोलीय गतिविधियां, जो भी खगोलीय गतिविधियां हुई हैं उनसे संबंधित था। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इसी में वैज्ञानिक परिदृश्य में
अद्यतन तकनीकी तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, ठीक है, आगे देखेंगे तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, ठीक।